नमस्कार, भारत खबर के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अलवर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बेखौफ आवाज़ अभियान के तहत शुक्रवार को वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 से 16 साल के बच्चियों के साथ आईजी एसएस सेगाथिर और पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बच्चों से सीधा संवाद किया। ये जो बेखौफ आवाज़ का कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक दोपहर एक वेबिनार का कार्यक्रम है, जिसमें सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में श्रीमान आईजी प्रसाद जयपुर रेंज जयपुर और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये और अपने पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर बच्चों को संबोधित किए कर रहे हैं और बच्चों से संवाद कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के पुरोधा और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में पुष्पांजलि अर्पित की। भैरव सिंह शेखावत की जन्म जयंती हम भारतीय जनता पार्टी अलवर कार्यालय पे मना रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे। आदरणीय भैरव सिंह शेखावत ने गरीबों के उत्थान के लिए, राष्ट्र हित के लिए सदा अपना जीवन समर्पित रखा। हनुमानगढ़ भाजपा द्वारा पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गोलूवाड़ा के थानाधिकारी भीषण शाह और अन्य पुलिसकर्मियों पर गाली देने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। थाने में जब परिवादी FIR दर्ज कराने पहुंचे तो थानाधिकारी एवं पुलिस स्टाफ द्वारा ए बदर व्यार और अशोभनीय व्यार और जो शब्दों का थानाधिकारी द्वारा उपयोग किया गया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आरोप लगाया कि अनुसूचित व्यक्ति के साथ थाने परिसर में साथ गए व्यक्तियों को पुलिसकर्मियों ने थप्पड़ मारा, गाली गलौज की। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। अलवर जिला अभिभाषक संघ ने मिनी सचिवालयों में वकीलों के चैम्बर बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के पूर्व शासनकाल में मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स को जी पैटर्न पर बनाना प्रस्तावित किया गया था, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। न्यायालय में जो है एक अधिवक्ता भी जो है न्यायिक अधिकारी की परिभाषा में आता है और वो कोर्ट ऑफिसर होता है। जब तक उसको पूर्ण रूप से चैम्बर्स की या सुख सुविधा पूर्ण नहीं दी जाएगी तब तक न्यायिक प्रक्रिया में काफ़ी काम प्रभावित होगा। पुराना सूचना केंद्र नेहरू बाल विहार में नगर परिषद आयुक्त व सभापति के अधिकारियों का रेजिडेंस होने के बावजूद यहां अतिक्रमण का सामान बुरी तरह से फेंक दिया जाता है, जिसके कारण पार्क की हरियाली नष्ट हो रही है। इसे दुरुस्त कराने और पार्क को नए सिरे से विकसित कराने की मांग की गई है। यहां पर अतिक्रमण शहर का जो सामान है उसको लाकर डालते समय पेड़ों को तोड़ा जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, और जब यहाँ पर अलवर सरिस्का में टाइगर की डेथ हुई थी उस समय पर्यावरण मंत्री विश्नोई जी आए थे और उन विश्नोई जी ने भी इस पार्क का निरीक्षण करके और आयुक्त महोदय जी को इसको तुरंत प्रभाव से खाली करने के आदेश दे दिए। आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर पुस्तकालय होने के कारण, प्राकृतिक चिकित्सा होने के कारण यहाँ पर भ्रमण करने वाले काफी संख्या में शहर के लोग आते हैं, वो बड़ी शिकायत करते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 5 निजी विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। विभाग के इन 5 विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जांच कराने की सलाह दी है। उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव सुचि शर्मा ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कैंपस से बाहर स्टडी सेंटर, ऑफ सेंटर बिना राज्य सरकार और UGC की अनुमति के खोलने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने अधिनियम में वर्णित कोर्स संबंधित नियामकों और निकायों की अनुमति के बाद ही संचालित कर सकता है। विभाग का कहना है कि चुरू की OPGS यूनिवर्सिटी, झुंझुनू की जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल यूनिवर्सिटी और सिंघानिया यूनिवर्सिटी, श्रीधर यूनिवर्सिटी और अलवर की सनराइज यूनिवर्सिटी के खिलाफ गंभीर शिकायतें और अनियमितताओं के प्रकरण की जांच विचाराधीन है। माउंट आबू के हिल स्टेशन के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा अकादमी की ओर से पुलिस उप महानिरीक्षक KK थॉमस जॉब के नेतृत्व में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के हॉट स्प्रग स्थान पर सीमा की अग्रिम पंक्ति में तैनात चीनी सैनिकों के हमले का मुकाबला करते हुए बल के 10 जवान शहीद हो गए थे। इन वीरों की याद को करते हुए हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। सिरोही जिले के माउंट आबू में देर रात करीब 4:21 के आसपास सेंट मैरी रोड के समीप होटल सन एंड रॉक प्रवेश द्वार से बिल्ली का शिकार करने के लिए लेपर्ड ने छलांग लगाया। ये सुंदर नज़ारा वहां के होटल के CCTV में कैद हो गया। इन दिनों माउंट आबू के वन्यजीव शहरी इलाके की ओर रुख कर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशी की खबर तो है ही, साथ ही साथ माउंट आबू के पर्यटन पर भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिलेगा।
बहरोड के दह में स्थित मनसा माता के मंदिर में दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को पटबंद होने के बावजूद भी आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। इस दौरान कोरोना एडवाइजरी की परवाह किए बिना ही मंदिर के बाहर पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं के मुंह पर मास्क तक नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज तो वहां नदारद थी। पटबंद होने के बावजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा श्रद्धालुओं को बैरिकेड से लगाकर रोक दिया गया था, लेकिन भक्तों ने बाहर से ही पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाई। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज ठाकरिया के नेतृत्व में आईएएस जिला प्रभारी डॉक्टर मुकेश शर्मा के साथ डींग उपखंड में सीएससी डींग और पूछरी एवं बहज पीएससी का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री जांच कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं को विस्तार से जानकारी ली और निर्देश दिए। हाल ही में जालौर जिले के भीनमाल तहसील क्षेत्र के दो बालिका के साथ हुए गैंगरेप की घटना ने पूरे सिरोही जालौर को हिलाकर रख दिया है। उक्त मामले को लेकर रावणा राजपूत समाज के जिलाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। रावतभाटा शहर के जयम्बे महिला मंडल द्वारा बरकतनगर चार भुजा में माता जी का छप्पन भोग लगाया गया। महिलाएं अपने घरों से छप्पन भोग लेकर तरह तरह के व्यंजन लेकर आईं जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया और इस दौरान दरबार में कीर्तन और नृत्य किया गया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरों ने बिजली महकमे के नाक में दम कर दिया है। हालात ये हैं कि 3 माह में चोरों ने करीब 8 से 10 ट्रांसफार्मर को चोरी किए हैं। अजीब बात यह है कि चोरी ट्रांसफार्मर की क्वाइल और तेल चुरा ले जाते हैं जबकि ट्रांसफार्मर का खाली खोखा मौके पर छोड़ जाते हैं। पहले मैंने ट्रांसफार्मर चोरी का FIR दर्ज कराया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसकी कार्रवाई मतलब विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से पता चला कि फलने गांव में मतलब ट्रांसफार्मर कोई बाइंडिंग मतलब बना करके ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हैं। उसके अलावा फर्जी डीपीआर भी मतलब लोग लाते हैं वहां से मतलब सप्लाई करते हैं। बड़ी बात यह है कि इस संबंध में बिजली विभाग ने FIR भी संबंधित थानों में दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। दो जगह कार्रवाई करके और तकरीबन 13 ट्रांसफार्मर हुए, उनके खोखे बराबर किए हैं। इसमें से कुछ सरकारी ट्रांसफार्मर्स हैं जो निगम द्वारा JVNL द्वारा यूज किए जा रहे थे, कुछ प्राइवेट थे जिससे आभास होता है कि शायद वो कहीं आसपास से किसी प्राइवेट कंपनी से कहीं जिन्होंने लगा रखे थे वहाँ से लिए गए हों। RPF टीम ने रेलवे टिकटों के अवैध काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। आबूरोड RPF निरीक्षक प्रदीप कुमार ने मई टीम से अजमेर जिले के ब्यावर में कार्रवाई की है। ब्यावर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 1,96,40,820 रुपए मूल्य की 8,972 पास्ट टिकटें बरामद की गई हैं। ये थे राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरें। खबरों के लिए आप देखते रहिए www.bharatkhabar.com। शुक्रिया।